अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में ये जो मोबाइल है वीवो का Y11, ये आपके सामने है, चेक कर लें। अब हमने जो है इसको ओपन करना है, इसका बैक पैनल। तो आपने कैसे बैक पैनल ओपन करना है तो मुकम्मल इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ तरीकाकार शेयर करूँगा, ठीक है। अगर अब आप दोस्त चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी जो है वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मोबाइल रिपेयरिंग जो है करना सीख सकें। तो सबसे पहले जो है हम इसका सिम ट्रे डिटेक्टर टूल जो है जो ये बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने एक ये देख लें, ये इसका सिम ट्रे टूल जो है वो बाहर निकल चुका है। उसके बाद हमने एक लेना है फ्लिपर, और फ्लिपर को हमने जो है यहाँ पे सिम ट्रे हमने जहाँ से निकाली थी इसी जगह आपने फ्लिपर को जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर जो है पुट करते जाना है, ठीक है जी। ये आपके सामने है, और इस तरह से करते हुए आपने इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ। आपने इस काम में जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, एहतियात के साथ काम करना है। अगर जल्दी करेंगे तो हो सकता है कि आपका सेट जो है वो डैमेज हो जाए। ये आपके सामने है, इसका बैक पैनल जो है वो ओपन हो रहा है। इसमें कोई पेच वगैरह नहीं होते, इस पर जस्ट लॉक होते हैं। तो अगर हम फ्लिपर की मदद से या किसी और नोकदार चीज़ की मदद से इसके लॉक को ओपन करेंगे जो तो वो ईज़िली ओपन हो जाएंगे। ये आपके सामने है, यहाँ तक सेट जो है ओपन हो चुका है, और ये मज़ीद जो है इसका बैक पैनल ओपन होने जा रहा है आपके सामने। ये देख रहे हैं, इस तक जो आपका पैनल जो है ओपन हो जाए तो उसके बाद आपने नाखून की मदद से जो है इसके बैक वाले साइड को जो है सेपरेट करने की कोशिश करनी। ये देख रहे हैं, इसका बैक पैनल यहाँ तक सेपरेट हो चुका है। अब आपने मज़ीद इस वाली साइड से जो है इसका बैक पैनल उतारना है, और एहतियात के साथ और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए। और ये देख लें जी, अब इसका बैक पैनल जो है वो सेट से सेपरेट हो चुका है। ये अब हम इसका फिंगरप्रिंट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। और ये देख लें जी, हमने इसका बैक पैनल जो है बासानी सेट से सेपरेट कर लिया है। तो सभी दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।